कंसीडर दिस क्वेश्चन. गिवन अ स्कीमा आर एंड द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज विच आर होल्डिंग ऑन दिस स्कीमा आर दीज वंस. ओके, द स्कीमा इज डिकम्पोज्ड इनटू थ्री सब स्कीमाज R1, R2 एंड R3. ओके, द क्वेश्चन इज दिस डिकम्पोजिशन लॉसलेस. तो अब हम मेथड थ्री अप्लाई करेंगे. हमेशा मेथड थ्री ही इस तरह के क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है. यू विल ऑलवेज गेट मींस गारंटीड एंड द करेक्ट आंसर. ओके, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये डिकम्पोजिशंस हैं तो इसमें जो इनिशियलाइजेशन है मैट्रिक्स का, सबसे पहले वो करेंगे. तो आर वन में ए डी ई आई जे, ए डी ई आई और जे यहां पर एंट्रीज हैं. ओके, तो वो मैं एंट्रीज फिल करता हूं. किस नाम से एंट्री फिल की जाएंगी, ए से. ओके, तो यहां पर ए और कॉलम नंबर क्या है, जीरो. यहां पर क्या है, डी थर्ड कॉलम है. ओके, यहां पर भी है ए फोर, यहां पर भी है ए कॉलम नंबर एट, यहां पर भी है ए कॉलम नंबर क्या है, नाइन. ओके, आर टू बी एफ एंड जी. आर टू में आएंगे ये बी और ये एफ और ये जी. ओके, एक एंट्री होगी कॉलम नंबर वन और यहां पर कॉलम नंबर फाइव और यहां पर कॉलम नंबर सिक्स. ओके, थर्ड के लिए ए बी सी है, तो ये आर थ्री के रिस्पेक्टिव है, मींस आर थ्री के रिस्पेक्टिव तीसरो में फिल किया जाएगा. ए बी और सी क्या एंट्रीज हैं, ए कॉलम नंबर जीरो, ए कॉलम नंबर वन, ए और कॉलम नंबर क्या है, टू. तो हमने ये सारी ए की एंट्रीज फिल कर दी. अब क्या एंट्रीज फिल करेंगे, अब एंट्रीज फिल करेंगे बी की. ओके, मतलब जो एम्प्टी सेल्स हैं उनकी, उनके लिए बी की एंट्रीज. तो यहां से बी रो नंबर और कॉलम नंबर, बी जीरो टू, बी जीरो फाइव, बी जीरो सिक्स, बी जीरो सेवन. ओके, यहां पर बी वन और जीरो, बी वन और टू, बी वन और थ्री, बी वन और फोर. ओके, बी वन कॉमा सेवन, बी वन एट, बी वन नाइन. ओके, यहां से क्या एंट्रीज फिल की जाएंगी, ये टू सेकेंड रो है, तो बी टू और थ्री, बी टू फोर, बी टू फाइव, बी टू सिक्स, बी टू सेवन, बी टू एट, बी टू नाइन. ओके, तो ये एंट्रीज इनिशियलाइजेशन हो गया. अब कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर ईच एफ डी एल्फा टू बीटा, अगर दो रो में मीन्स एल्फा की वैल्यू सेम है तो बीटा की वैल्यू को फोर्स कराना है कि वो भी सेम हो जाए. कैसे फोर्स कराना है, कि एक सेल में जो वैल्यू, अगर एक बीटा साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको क्या कर देना है, रिप्लेस करा के सेम कराना है. वो मैं दिखाता हूं कैसे. ओके, तो अब सपोज करो फंक्शन डिपेंडेंसी पिक करते हैं ए बी टू सी. ओके, और आइटरेशन है ये फर्स्ट, ये फर्स्ट आइटरेशन है. तो ए बी टू सी, ए बी में कोई दो रो हैं क्या जिसमें वैल्यू सेम हो, ए जीरो, कहीं पर वैल्यू ए बी में सेम नहीं है, तो फिर आगे इसमें कुछ हो नहीं सकता. पिक द नेक्स्ट एफ डी, ए टू डी ई, ए में देखते हैं, ए में दो जगह पे वैल्यू सेम है, आर वन और आर थ्री में, ए जीरो, ए जीरो. ओके, तो दूसरी साइड क्या है, डी ई, डी कहां पर है, ये, और ई कहां, ये है. ओके, तो ए जीरो, ए जीरो, वैल्यू सेम हुई है, डी में हमको फोर्स कराना है कि वैल्यू सेम हो जाए. कैसे करेंगे इसको, रिप्लेस करा के करते हैं. देखो पहली रो तो डी ई में यहां पर क्या है, ए थ्री, ए फोर, यहां क्या, बी टू थ्री, बी टू फोर, तो कहता है सेम कराना है फोर्स करके. तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको ए थ्री से रिप्लेस करा दूंगा जो वैल्यू यहां है, और इसको रिप्लेस करा दूंगा किससे, ए फोर से. आप इस वाली से इसको, इस वाली से इसको हमेशा रिप्लेस कराओगे. ओके, अब ये इसका काम ए टू डी की वजह से हो गया. अब पिक करेंगे बी टू एफ, तो बी कहां है, ये,
बी में देखो A1 दो जगह वैल्यू दो, R2 और R3 में सेम है, तो एफ में जाएंगे। एफ में क्या A5 B25, तो क्या करेंगे इसको A5 कर देंगे, ओके, क्योंकि A1 यहां सेम है। नाउ पिक F2 GH, एफ कहां है, एफ में आए तो A5 और A5 दो वैल्यू, दो रो में वैल्यू सेम थी, A5 और A5, तो F2 GH क्या है, यहां A6 है, यहां B17 है। अब यहां पर देखने वाली बात है, यहां पर A5 वैल्यू सेम मिली F की, तो GH में A6 B17, B26 B27 वैल्यू डिस्टिंक्ट है लेकिन इधर सेम है, तो आप क्या करोगे, मैं इस जगह पे इसको काट के लिख दूंगा A6, क्यों, क्योंकि एक रो में तो मैं सारी एंट्री A की चाह रहा हूं, तो जहां पर भी A अगर मिलता तो मैं रिप्लेस उसको फोर्स कराऊंगा, A से ही रिप्लेस कराऊंगा सेम कराने के लिए। और यहां पर चूंकि इस रो से आप सेम करा रहे हो तो फिर इसको भी क्या लिखोगे, B17, ओके। नाउ गो फॉर D2IJ, डी क्या है, डी यहां पर है कोई रो सो में का, यस A3 A3, ओके A3 A3 सेम है पहली और तीसरी रो, तो IJ यहां पर ये दो वैल्यू है A3 A3, A8 A9, तो यहां पर B28 B29 है, नॉट मैचिंग, कहता फोर्स कराओ और इनको सेम करो, तो फोर्स कैसे कराते हैं, रिप्लेस करा के, तो इसकी जगह A8 लिखूंगा और इसकी जगह A9 लिखूंगा, ओके, और एक आइटरेशन पूरी हो गई क्योंकि सारी फंक्शन डिपेंडेंसीज पे जो अप्लाई करना था कर दिया। अब आप एक आइटरेशन के बाद ही चेक कर लो A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A6, अभी इस जगह B17 है, A8 और किसी और रो में A की सारी एंट्री नहीं है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं सेकेंड आइटरेशन में क्या होता है। AB to C नहीं पॉसिबल है क्योंकि कोई भी दो रो T1 AB और T2 AB सेम नहीं है, तो A to DE के लिए A0 A0, लेकिन D A3 A4 A3 4 ऑलरेडी हो चुका, अपडेट नहीं हो सकता। B to F में A1 A1 और F कहाँ है, A5 A5, ऑलरेडी ये A5 है तो यहां पे भी अपडेट नहीं हो सकता। F2 GH, F क्या है यहां पर, A5 A5, यही दो रो सेम है, कहां पर, F में A5 A5, यही दो रो सेम है, तो हम क्या करेंगे, F2 GH, A5 A5, GH कहां है, ये A6 A6 B17, A6 B17, तो ये तो हमने सेम कर दिया, ओके, लेकिन और कुछ अपडेट नहीं पॉसिबल है कि किसी वैल्यू से आप अपडेट कर सको इसको, ओके। तो अब फिर से आएंगे D2IJ, D क्या है, D A3 और IJ क्या है, A8 और A9, ओके। सो अल्टीमेटली हमने सेकेंड आइटरेशन भी चला दिया लेकिन यहां पर ये वैल्यू जो है, जो यहां पर वैल्यू है B17, ये अपडेट नहीं हो पा रही है, ओके, ये अपडेट नहीं हो पा रही है। अगर आप इसका थर्ड आइटरेशन भी सपोज करो चलाते हैं, ओके, थर्ड आइटरेशन चलाएंगे तो भी ये मीन्स अपडेट नहीं होगी, एंड देयरफॉर अगर मीन्स चूंकि एक रो में किसी में भी सारे ए नहीं आ पा रहे हैं, एंड देयरफॉर द डिकम्पोजिशन इज लॉसी, ओके, या इज दिस डिकम्पोजिशन लॉसलेस, नो, ओके, एंड दैट्स डन।